समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह शनिवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी की अन्य महिलाएं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी महिला सभा मंडल की समीक्षा बैठक करने के लिए आई हूं। इससे पहले मैं 4 बैठक कर चुकी हूं। हम बूथ स्तर पर 10-10 महिलाओं को सक्रिय बनाकर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए समीक्षा बैठक करने महानगर में आई हूं। गीता सिंह ने कहा कि वह बूथ स्तर तक महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि आगामी चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल हो। इस अवसर पर सभा में जानकी यादव, उर्मिला देवी, शोभा यादव, उर्मिला द्विवेदी, रेणु बाला सिंह, सुशीला भारती, अख्तर जहां, दुदिया देवी, नमिता सिंह, अमरावती देवी, अंजू पासवान, नीता सिंह, रीना तिवारी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गीता सिंह ने कहा, देखिए हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी महिला सभा मंडल वाइज समीक्षा बैठक कर रही। मैं 4-5 मंडलों की बैठक कर चुकी हूँ और उसके बाद अब गोरखपुर मंडल की बैठक आज प्रस्तावित है। कल मैं बस्ती मंडल की बैठक करूँगी, उसके बाद जो और अन्य मंडल रह गए हैं उन मंडलों की बैठक करूँगी। देखिए समाजवादी पार्टी आज पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आज महंगाई, भ्रष्टाचार, असुरक्षा जिस तरह से आज त्राहिमाम मचा रखा है, आज उसको बताने के लिए हम पूरे बूथ स्तर पर हम अपनी 10-10 महिलाओं को मजबूत सक्रिय बना के और आने वाले 2019-22 की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो 2019 की, क्योंकि आने वाला 2019 में हम पार्लियामेंट में देश के झूठे और फरेबी जुमलेबाजों को हटाने का काम करेंगे। इसलिए जरूरी है कि मैं पूरी तरह से अपने हर बूथ पर 10-10 सक्रिय महिलाओं को समाजवादी पार्टी को उनको लगाएंगे। वो पिछले 7 तारीख, 14 तारीख और 28 तारीख को, 14 और 28 आने वाली है, जहां पर हम अपने वोटों को बढ़ाने का काम करेंगे, गलत वोटों को हटाने का काम करेंगे। और ये टीम हमारी पूरे जिस दिन तक वोट पड़ेंगे उस दिन तक काम करेगी, घर से वोटों को निकलवा कर बूथ तक लाकर वोट डलवाने का काम करेगी। इसकी समीक्षा मैं करने आई हूँ।